फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम जानेंगे फोटो मोंटाज या फोटो मोज़ेक इफेक्ट के बारे में। इस इफेक्ट को आप किसी भी इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं और हम जानेंगे इजी और फास्ट तरीके के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको वो इमेज ओपन कर लेनी है जिस पे आपको ये इफेक्ट अप्लाई करना है। जैसे मैंने ये इमेज ओपन कर रखी है, अब हमें इस पे एक ब्लैंक लेयर बनाना है। इस प्रकार से मैंने ये एक लेयर बना लिया है। अब हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सेलेक्ट करेंगे और वो एरिया ड्रा करेंगे जिस एरिया की आप टाइल साइज रखना चाहते हैं अपने मोंटाज में। तो ये मैंने साइज सेलेक्ट कर दी। अब हम इस साइज को ब्लैक कलर से फिल कर देते हैं। तो एडिट मेन्यू में जाके हम फिल कर देते हैं इसको ब्लैक कलर से। अब ये जो एरिया है ब्लैक कलर से फिल हुआ, इसको हम एक ब्रश के प्रीसेट के रूप में सेव करेंगे। तो इसके लिए हम एडिट मेन्यू में जाते हैं और डिफाइन ब्रश प्रीसेट के क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस ब्रश को कोई भी नाम देना है, हम यही नाम रहने देते हैं सैंपल ब्रश 2। और यहाँ पे आप इसकी साइज़ देख सकते हैं 1176 पिक्सल। तो अब ये एक ब्रश प्रीसेट के रूप में सेव हो गया है। कंट्रोल डी बटन प्रेस करते हैं और ये जो लेयर है अब हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसका एक कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल जे बटन प्रेस करके। और ये जो नीचे वाला बैकग्राउंड लेयर है इसको हम वाइट कलर से फिल कर देते हैं। वाइट कलर से फिल करने के लिए आप सबसे पहले तो ये यहाँ पे जो आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर देख रहे हैं, ये डी बटन प्रेस करके डिफ़ॉल्ट सेट कर लीजिए और बैकग्राउंड कलर वाइट होगा। तो फिर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा के आप इसे वाइट कलर से फिल कर सकते हैं। अब हम एक और ब्लैंक लेयर बना लेते हैं। अब ब्लैंक लेयर बनाने के बाद में ये जो टॉप पे लेयर है इसको हम क्लिप कर देते हैं इस नीचे वाले ब्लैंक लेयर से, ताकि हम जो भी मास्किंग करेंगे इस नीचे वाले ब्लैंक लेयर पे तो उसके थ्रू ये ऊपर वाली इमेज दिखाई दे सके। तो इसको क्लिप करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस जी बटन प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो ऊपर वाली इमेज है मास्क हो जाएगी नीचे वाले ब्लैंक लेयर से। तो क्लिप मास्क करने के बाद में हमें ये जो इमेज है इस प्रकार से वाइड दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि जो बीच वाला लेयर है ये तो ट्रांसपेरेंट है और बैकग्राउंड लेयर है वो वाइट है। अब हम इसको थोड़ा माइनस में जूम कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस माइनस बटन प्रेस करके आप जूम कर सकते हैं। अब आप ब्रश टूल को सिलेक्ट कीजिए और ब्रश टूल में ये जो ब्रश है इसमें हम थोड़ी सेटिंग करते हैं। तो इसके लिए हम ब्रश सेटिंग्स को ओपन करते हैं F5 बटन प्रेस करके। ब्रश सेटिंग में आपको ये जो ब्रश का स्पेसिंग है, अगर हम इसको कम रखते हैं तो इस प्रकार से स्पेसिंग बिल्कुल कम रहेगी, और इस प्रकार से हम बढ़ाते हैं तो ये स्पेसिंग बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगेगी। हमें स्पेसिंग ना तो ज़्यादा चाहिए और ना कम। तो डिफरेंट इमेज के हिसाब से ये डिफरेंट शो करेगा। तो हम यहाँ पे इसको 110 पे सेट कर लेते हैं और शेप डायनामिक्स पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आपको ये जो एंगल जिल्टर दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू इस वक्त 0 है। तो ये जो टाइल्स बनेंगी ये बिल्कुल सीधी दिखाई देंगी। तो अगर हम इसको 1% वैल्यू सेट कर देते हैं तो ये थोड़ी तिरछी दिखाई देने लग जाएंगी। तो ये सेटिंग्स करने के बाद में हम अब ब्लैंक लेयर को सेलेक्ट करते हैं और ब्रश टूल को सेलेक्ट करके इस प्रकार से एरिया ड्रा करेंगे। ब्रश साइज को आप लेफ्ट ब्रैकेट या राइट ब्रैकेट से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से ये एरिया ड्रा कर देते हैं। अब हम डबल क्लिक करते हैं इस मास्किंग लेयर पे और लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं।
यहाँ पे हमें स्ट्रोक सेट करना है, तो स्ट्रोक की वैल्यू मैं यहाँ पे 15 सेट कर देता हूँ, और पोजीशन हमें इनसाइड रखनी है, और ओपिसिटी को हम 30% के आसपास रख लेते हैं। कलर आपको वाइट ही रखना है, और ड्रॉप शेडो जो है, ड्रॉप शेडो में आपको यहाँ पे ओपेसिटी इसकी 30 के आसपास रखनी है। एंगल आपको 140 डिग्री रखना है। ग्लोबल लाइट आपको ऑफ रखनी है। डिस्टेंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये अलग अलग इमेज के हिसाब से आप अलग अलग सेट कर सकते हैं, और साइज को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में ओके प्रेस कर देना है। अब हम इसको कंट्रोल टी बटन प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और आप चाहें तो इस इमेज को भी थोड़ा छोटा बड़ा कंट्रोल टी बटन प्रेस करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको बेस्ट लुक दिखाई दे उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जीरो बटन प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से ये फोटो मोज़ेक इफेक्ट आसानी से अप्लाई हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।